आरा में घरेलू कलह और संपत्ति विवाद को लेकर एक भतीजा ने अपने ही चाचा को चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी है। जहां इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार भी हो गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के मठिया मोड़ स्थित घुंसार गली की है। वहीं घटना की सूचना जैसे स्थानीय थाना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच पूरे घटनाक्रम की छानबीन और आरोपी की गिरफ्तारी करने में जुट गई है। मृतक मठिया मोड़ स्थित घुंसार गली निवासी स्वर्गीय लाल मोहन सिंह के 40 वर्षीय पुत्र मंजय कुमार है, जो मोबाइल दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। मृतक के बड़े भाई संजय कुमार की माने तो मृतक और वो तीन भाई हैं, जिसमें मृतक सबसे छोटा भाई था। हमारे बड़े भाई अरुण कुमार का लड़का विशाल कुमार अक्सर घर में हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई झगड़ा करता था। आज वो दोपहर में हमारे घर आया और मेरे छोटे भाई मंजय कुमार से लड़ाई झगड़ा कर उसे चाकू मार दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के वक्त हमारे घर में कोई नहीं था, सिर्फ मृतक और उसकी पत्नी ही घर में थी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। जबकि इस खूनी वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के साथ पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इधर हत्या की इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सदर SDPO परिचय कुमार ने बताया कि मठिया मोड़ के पास महादेवा रोड में एक व्यक्ति की घरेलू कलह और संपत्ति विवाद को लेकर मृतक के भतीजा के द्वारा चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच घटना की छानबीन में जुटी हुई है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। बहरहाल दिन दहाड़े संपत्ति विवाद में भतीजा के द्वारा अपने ही चाचा को चाकू से गोद कर हत्या करने की चर्चा शहर में काफ़ी तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। माँ रखती है, उसका भाई रखता है, वो रखता है, हम रखते हैं। तो मान लीजिए किसी से रिश्ता रहेगा तब ना हम रखेंगे, रिश्ते नहीं है तो क्या। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम मंजय प्रसाद बताया जा रहा है, उनकी हत्या मठिया मोड़ के पास महादेवा रोड में चाकू मारकर कर दी गई और ये फैमिली डिस्प्यूट में उनकी हत्या हुई है। और जो मुख्य अभियुक्त है वो उनका भतीजा ही है। उनका नाम हमें प्राप्त हो गया, बाकी हम खोजबीन कर रहे हैं, लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। किस बात को लेकर सर, संपत्ति विवाद को? फैमिली डिस्प्यूट है, इसमें संपत्ति विवाद भी बता रहे हैं और भी अन्य कुछ बातें आ रही है उभर के, बट ये पूर्णतया फैमिली डिस्प्यूट है। ठीक है सर। है जो 20 साल से उसकी माँ भागी लेकर भागी थी बचपने से, 20 साल के बाद घर में आया, दबंगों के कारण घर में कब्जा किया। कौन है? बड़ा भाई का लड़का था। आप लोग के बड़ा भाई का लड़का? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आकर हमेशा हमें धमकी देता था, धमकी देता था, हमेशा डेली मारपीट करता था, मीटर कबार के ले गया है, मीटर भी कबा रहा है। आज क्या हुआ है? आज घटना मालूम नहीं चला कि आके घर पर आके बोल रहा है कि घर में लाएंगे, लड़की ले आएंगे, किसी में रखेंगे, नहीं रखने तो मार देंगे, मार दिया। अच्छा, मैंने आपके छोटे भाई को मार दिया? छोटा भाई को मार दिया। किस चीज़ से मारा है? चाकू से मारा है। चाकू से मारा है, मार के पास दिया। संपत्ति विवाद को ही लेके? संपत्ति विवाद को, छोटी चीज़ 3 फुट का मकान है, घर भी देते तो उनको दे दिए थे, दिया दिए गए। अच्छा। एक रूम में तला, बाप को निकाल, बाप को रूम नहीं आ रहा था, बाप को निकाल कर तला मार दिया है। मतलब विवाद का कारण क्या है? विवाद कारण है कि मतलब कि रंगबाजी। अच्छा, हाँ, घरेलू है विवाद। हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। आप कौन हुए मृतक के? भावड़े भाई।